देहरादून के मसूरी रोड स्थित यूनिसन स्कूल के समीप बन रहे पुल को लेकर अब मामला गरमाने लगा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी द्वारा 2.5 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस पुल का मकसद सिर्फ स्कूल को व्यक्तिगत फायदा पहुंचाने का है। दरअसल यूनिसन स्कूल की बिल्डिंग एक बड़े नाले के पार बन रही है, जिसके कारण आने वाले समय में स्कूल में वाहनों की आवाजाही में परेशानी होगी। इसलिए भविष्य के लिए इस पुल का निर्माण पीडब्ल्यूडी के खर्चे पर कराया जा रहा है। तो ये रोड बनने के लिए उन्होंने पुल यहाँ बस गिरी थी, तो लेटर लिखवाया उन्होंने, लिख के लाया उन्होंने, मैंने सैन मोर मार दी। बस उन्होंने कहा कि रोड बच्चों के लिए खतरा है, रोड चोरी करने के लिए हमने वो करा। बस पुल के लिए कोई कहना ये है कि लोग धोखे में लेटर साइन करे आपसे, हमें कोई पता नहीं था कि पुल बन रहा आगे, पुल का हमें कोई पता नहीं था, नहीं हमें बताया भी नहीं, उद्घाटन नहीं हम आए ही नहीं थे। हमें तो दूसरे दिन पता चला कि हाँ उद्घाटन हो गया था, हम फिर आए यहाँ पे, पुल वो जो लगाया था बोर्ड हमने उखाड़ के फेंका। तो प्रधान होने के नाते आपने इसका पुल होने बनने के लिए विरोध किया आपने? हाँ जी विरोध करा बिल्कुल। फिर उस पर क्या सर रहा? अब ये तो काम रुका, फिर उन्होंने काम रोक ले थोड़ा दिन पे, बीच में फिर चालू कर दिया उन्होंने काम। फिर हमने RTI की थ्रू पता कराया तो पता लगा कि ये जो है पूरा स्कीम जो है लगभग मेरे ख्याल से 3 करोड़ रुपए इसमें टोटल सेंक्शन है गवर्नमेंट की तरफ से, करीब 40 लाख फॉरेस्ट की तरफ से और 2 करोड़ 60 लाख रुपए PWD की तरफ से ये गांव के नाम पे सेंक्शन हुआ है। जबकि जो ये रास्ता बन रहा है इसमें कहीं पे भी स्कूल के अलावा, जो ये सामने स्कूल है इसके अलावा एक भी आबादी नहीं है। और ये जो है RTI में भी जब हमने उनसे मांगा, जो RTI में उनका प्लान था उसमें भी कोई भी किसी प्रकार की आबादी उसमें नहीं दिखाई गई है। जब काम बंद हुआ तो जो एक्सएन साहब हैं शाह साहब देवेंद्र शाह जी, वो मौके पे आए, उन्होंने हमारे आगे हाथ जोड़े कि आप जो है इसके बीच का रास्ता निकालें। तो हमने उनसे कहा कि भाई जो वाकई में इसका उद्देश्य है कि गांव को जोड़ा जाए तो आप पहले गाँव को जोड़ने का कष्ट करें, उसके बाद जो है तब जाके जो ये पुल या स्कूल का उसका वो करें। तो हमें आश्वासन देके वो भी चले गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद लगभग डेढ़ कुल मिला के आपको लग रहा कि यूनिसन जो टोटल जो है मालिक है उनको फायदा पहुंचाने के लिए, अब ये मालिक है या सरकार के लोग मिले हुए अफसर हैं चाहे नेता हैं, ये तो कुछ नहीं कह सके किसका फायदा हो रहा है। ये 100% जो है एक आदमी और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल जो है 4 करोड़ तो हमने RTI में मांगा है वो पता लग रहा है। अब इसके अंदर और कितना खर्च हो रहा है इसके बारे में तो ये अफसर ही बता पाएंगे जी।